हाल गुरुकुल का सविनय नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। पहली बार हम इस तरह से बातें कर रहे हैं। हम सभी घर पर ही है। हमारे राष्ट्र पर जो अनपेक्षित संकट आया है उसका डटकर मुकाबला हमें घर रहकर ही करना है। भगवान हमें ज़रूर इस संकट से निकालने की राह दिखाएंगे, पर तब तक हम सभी ने हौसला रखना है। यह संकट की घड़ी में भी हम सभी साथ साथ हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। आपका और हमारा संबंध जिन बच्चों की वजह से है उनके लिए हमने आपको एक स्कूल का चित्रण दिया था। उम्मीद करता हूँ उसे देख बच्चे खुश हुए होंगे, पर आज का यह संवाद सिर्फ पालक ही सुनेंगे तो बेहतर है। हमारे लिए जो डॉक्टर, पुलिस, नर्स और इतर अत्यावश्यक सेवा दे रहे सभी को सिर्फ व्हाट्सएप पर धन्यवाद न देते हुए हमारी वजह से उनका काम न बढ़े इसकी भी खबरदारी हमें लेनी है। अतः इस परिस्थिति को कठिनाई न समझते हुए मौका समझते हैं तो हम घर पर रुककर जिसके लिए समय नहीं था वह हर बात कर सकते हैं। हम हमेशा कहते थे कि बच्चों की पढ़ाई लेने का समय नहीं मिलता, पर क्या हम पढ़ाई नहीं लेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं क्या? इसी विषय में मैं आपसे आज सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। हमारा रोल क्या है? खलील जिब्रान कहते हैं, बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं पर उनकी खुद की विचारधारा, सोच वह लेकर आते हैं, तो हमारा रोल उन्हें सही वातावरण देना है। बच्चों को एक साथ की ज़रूरत है जो इस बंद के दौरान हम दे सकते हैं। हमें उन्हें रास्ता दिखाना है, पर चलना उन्होंने खुद है, और इसीलिए आपको खुद को पता होना चाहिए शिक्षण क्यों लेना है। शिक्षण से उसमें आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। वह खुद के अनुभव से चलेगा, ना कि दूसरों के कहने पर। और मेरा अनुभव योग्य है तो मैं वह मार्गक्रमण करता हूँ, कोई कुछ भी कहे। आज हम किसके भी कहने पर अपना मत बना लेते हैं। हमारे बच्चों को हमें ऐसे नहीं बनाना है। वह स्वतंत्र बनेंगे पर माता पिता, संस्कार और इस राष्ट्र से जुड़े रहेंगे। इस काबिल उन्हें हमें बनाना है। हम इस दौरान उनसे संवाद करेंगे। कितनी सारी बातें हम नहीं जानते अपने बच्चों के बारे में। उसे पूछिए कि कौन सी ऐसी बात है जिससे उसे खुशी मिलती है, वो कौन सी बात पे गुस्सा करते हैं, उनके आदर्श कौन है, उनके दोस्त कौन है, और वो उसे क्यों पसंद करता है, उसका सपना क्या है, उसे सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है, उसे सबसे कठिन काम कौन सा लगता है। कितनी सारी बातें हैं, हमें लगेगा ये क्या पूछना, पर पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। हम पूछेंगे नहीं तो उसे खुद को परखने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमें इस बंद के दौरान बच्चों को जीने के नए आयाम देने होंगे। अपना बचपन याद करो। नो टैब, नो मोबाइल, ओनली 2 चैनल। हम बोर नहीं होते थे क्या? होते थे, पर खुद ही अपने आप ही मनोरंजन का साधन खोजते थे। पर अभी के बच्चों को बोर होने का हम चांस ही नहीं देते। सीधा मोबाइल थमा देते हैं, उसका कोई टाइम नहीं। उसे खुद को खुद के साथ टाइम स्पेंड करने दो तो खुद को एंटरटेन करने का तरीका वो ढूंढ लेगा। आज मैं आपसे एक ट्रस्टी की तरह नहीं तो बतौर पालक बात कर रहा हूँ। ये बच्चों की परवरिश हमें इस तरह से करनी है कि वो हमारी वजह से नहीं तो हम उनकी वजह से पहचाने जाए, तो वो कितनी बड़ी बात होगी। हमने अपनी पहचान बनानी है, वो एक अलग विषय है, पर बच्चे हमारे जैसे बने ये जीत हमने छोड़नी है। हम सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है बच्चों के लिए, पर बच्चे भी हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं। उनके सपने, उनकी चाह, बहुत कुछ, क्योंकि मेरे माता पिता को पसंद नहीं। सो हमने जो किया वह ऋण की भावना से नहीं, तो भगवान ने दिया वह प्रसाद है इस भावना से ग्रहण किया तो हम खुशी खुशी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। बंद बढ़ने के कारण हम सभी स्कूल शुरू नहीं कर सकते, तो बच्चों को मिलने के लिए अभी देर है। उसका हम सभी को दुख है, क्योंकि ये बच्चों से हमारा भी लगाव है, पर उनके जीवन घटतर के लिए रुका भी नहीं जाता। इसीलिए अभी आप और हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अभी आप उनके पास हैं, तो जो हम स्कूल में करते हैं वह आप घर पर करना शुरू कीजिए। इसलिए पूरा समय उसी के पास मत रुकिए, पर सुबह शाम 1 घंटा उसको दीजिए। और कुछ शेड्यूल में आपका साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो उस ढांचे में दिन बिताए, ऐसा सफल प्रयास आप कीजिए। हर एक की परिस्थिति, जगह भिन्न हो सकती है, पर बच्चों के प्रति हमारी संवेदना, चाह सरीखी है। इस बात को समझते हुए हर एक ने इस प्रयत्न को शक्य करना है।
उसे हमें समय का सदुपयोग बताना होगा। पर्सनल हाइजीन, प्रेयर, स्टडी, ग्रामर, प्लेइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ स्किल, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, कुकिंग, विजुलाइजेशन, फैशन, प्रिपेयरिंग, इसको टाइमिंग में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह उठने पर सूर्य नमस्कार, स्कूल प्रेयर, राष्ट्रगीत, यह वो ले सकता है। नाश्ता करने के बाद लाउड रीडिंग, स्टोरी बुक, हैंड राइटिंग, ग्रामर, नाउन्स, पैसेज, रिटर्न, क्रिएटिव राइटिंग, यह सब चीज़ें वह कर सकता है। दोपहर इंडोर गेम्स के स्किल, आर्ट, जिससे वह अलग अलग चीज़ें बनाए और वेस्ट समझकर जिसे फेंकते हैं, वह चीज़ें अगर वो सही स्किल से बनाता है तो वह स्कूल लेकर आ सकता है, जिसे हम रीओपनिंग के दिन प्रदर्शनी कर सकते हैं, नए नए शब्द खोज सकते हैं और उसकी खुद की डिक्शनरी बना सकता है। शाम को वह अथर्वशीर्ष, श्लोक, राष्ट्रगान और टेबल कितने समय में मुखोगत करता है, वह हम उसका समय लगा सकते हैं। 1 से 30 के टेबल्स इस दौरान उससे हम मुखोद्गत करवा सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसे लिखने हैं, आपके साथ वो मदद कर सकता है। खुद की चीज़ों को संभालना, सही रखना, ऐसी बातें भी सिखा सकते हैं। उसके लिए हम प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी की प्रतिनिधि आपको वह किस तरीके से करना है वह भेजेंगे, पर शुरुआत आपको ही करनी है और अभी से करनी है। आप सोचिए कि कोई भी एक जगह, कमरा जब लॉक में होता है तो जब 2 महीने में लॉक खोलते हैं तो कितनी धूल, मिट्टी, मकड़ी, जाल उसमें मिलते हैं। यह बात बच्चों के बारे में ये लॉकडाउन में नहीं होनी चाहिए। सच पूछिए तो ये लॉकडाउन सिर्फ बाहर ही है। हमने जो खुद को साधन, पैसा और दिखावे में बंद किया था, उसे खोलने की ये चाबी है। हमने जो खुद को बांध दिया था कि मॉल जाएंगे तो ही बच्चे खुश होंगे, गाड़ियां रहेंगी तो ही वो खुश होंगे, यह दिमाग का ताला खुला, ये तो भगवान ने चाबी दी इस ताले को खोलने की। कोई क्या सोचे, क्या करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे भगवान ने जो बच्चों के स्वरूप प्रसाद दिया है उसे सही परवरिश दूंगा, यह सोच कर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे ही, क्योंकि जैसे उसे जीवन देने हेतु माँ उस जीव को गर्भ में धारण करती है, वैसे ही एक शिक्षक उसके जीवन घड़तर के लिए उसे अपने अंदर धारण कर लेता है। उसका दाखला हुआ यानी वो हमसे जुड़ गया है। पर आप भी हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित स्वरूप से भाल गुरुकुल यह केवल एक स्कूल नहीं होगी, तो एक अभियान बन जाएगा, एक सोच बनेगी जो विद्यार्थी के जीवन का एक नया आयाम लिखेगी। माँ भारती का गौरव फिर से भार गुरुकुल बढ़ाएगा, विनयशील संपन्न नागरिक राष्ट्र को लौटाएगा। अस्तु।